हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। एक बार फिर स्वागत है आपका विवेकानंद कोचिंग इंस्टीट्यूट पैरा मेडिकल साइंस जयपुर में। स्टूडेंट्स, हमारा रोज़ एक वीडियो आप लोगों तक पहुंच रहा है हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से, और आज एक और वीडियो आप लोगों के लिए बेहद खूबसूरत, बेहद बेहतरीन और बेहद शानदार वीडियो, बहुत ही बेहतरीन वीडियो है। इस वीडियो में आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाला हूँ, डेक्सा स्कैन जो चलती है, ड्यूअल एनर्जी एक्सरे एब्सोर्बमेट्री का जो आपका टॉपिक होता है, उसके अंदर एनिमेशन वीडियो की क्या क्या उसके अंदर होता है तो हम देखेंगे आज के इस वीडियो में। आपको पीछे की तरफ मशीन दिख रही होंगी और आप टेक्नोलॉजीज दिख रहे होंगे। ये डेक्सा स्कैन इस प्रकार से मशीन होती है और इसकी फुल फॉर्म जो है आप लोगों को दिख पा रही होगी यहाँ पे डेक्सा स्कैन की। तो आज की क्लास बहुत स्पेशल है, तो आप लोगों से उम्मीद करता हूँ कि इस क्लास को आप पहले स्टॉप करोगे और पहले शेयर करेंगे और फिर इस क्लास को आगे देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास के लिए। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार से जो है पेशेंट जो है इस मशीन पर लेटा हुआ होता है और यहाँ पर अपना टेक्नोलॉजिस्ट होता है। इस देखो, जब भी ये एक्सरे इसको पार कर रही होती है पेशेंट को, तब अपने क्या होता है कि ऑस्टियोपोरोसिस होता है, उसको मेजर करने के लिए, उसको डिटेक्ट करने के लिए, उसको डायग्नोस करने के लिए चीज़ें होती हैं। आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ से क्या निकलती है, दो प्रकार की एक्सरे एनर्जी निकलती है। नाम से पता लग रहा है ड्यूअल एनर्जी एक्सरे एब्सोर्बमेट्री, दो प्रकार की एक्सरे एनर्जी निकल रही है। एक हाई इंटेंसिटी एनर्जी होती है और एक लो इंटेंसिटी एनर्जी होती है। लो एनर्जी जो होती है वो बताती है कि अपनी सॉफ्ट टिश्यू की प्रोफाइल क्या है, और जो हाई एनर्जी इंटेंसिटी की जो टिश्यू होती है वो बताती है फैट की और बोन की जो इंटेंसिटी है या बोन की जो प्रोफाइल है वो क्या है। बोन मिनरल डेंसिटी देखने के लिए हम इस स्कैन को यूज़ करते हैं, और इस प्रकार से अपने पास दो तरह के जेड स्कोर और टी स्कोर अपने पास आते हैं, और इन्हीं जेड स्कोर टी स्कोर के कुछ रेंज बनी हुई है, कुछ स्टैंडर्ड बने हुए हैं, और उन्हीं स्टैंडर्ड्स के माध्यम से अपन क्या करते हैं, ये कुछ रूल्स होते हैं, और उन्हीं स्टैंडर्ड्स के माध्यम से अपन क्या करते हैं, अपन डिटेक्ट करते हैं, डायग्नोस करते हैं कि पेशेंट की बोन मिनरल डेंसिटी क्या है। क्या पेशेंट को ऑस्टियोपोरोसिस है, या ऑस्टियोपोरोसिस फर्स्ट स्टेज में है, या ऑस्टियोपोरोसिस होने वाला है, या बोन से संबंधित जो भी फ्रैक्चर रिस्क है वो कितना परसेंट पेशेंट को हो रहा है, ये सारी चीज़ें जो हैं डेक्सा स्कैन के अंदर होती है। अब मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि डेक्सा स्कैन जो है वो अपन प्रैक्टिकली करते कैसे हैं। तो इस वीडियो की तरफ चलते हैं और डेक्सा स्कैन जो है प्रैक्टिकली कैसे करते हैं उसको समझते हैं। कुछ चीज़ें तो मैं भी आपको दिखाई देता हूँ कि जेड स्कोर टी स्कोर की यहाँ बात कर रहे थे, वो जेड स्कोर और टी स्कोर यहाँ पर जो है अपनी रिपोर्ट के अंदर जो भी अपने पास डायग्नोसिस रिपोर्ट आती है उसके अंदर होता है, और उसी जेड स्कोर और टी स्कोर को अपन कोरिलेट करते हैं या कंपेयर करते हैं अपने जो स्टैंडर्ड बने हुए हैं उनसे, और स्टैंडर्ड जो बने हुए हैं उनसे कंपेयर करने के बाद ये डिसाइड होता है कि पेशेंट की जो बोन रिस्क है या बोन फ्रैक्चर रिस्क है वो कितनी ज़्यादा है। और इस प्रकार से देखो, ये होता है बॉडी कंपोजिशन एनालिसिस, बॉडी का जो कंपोजिशन है, बॉडी किस प्रकार से बनी हुई है, ये सारा एनालिसिस किसके अंदर किया जाता है, डेक्सा स्कैन के अंदर किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों को काफ़ी कुछ चीज़ें इसके अंदर सीखने को मिलेगी। तो आप लोग देख रहे होंगे कि बॉडी के अंदर कितना फैट है, कितना लीन है, और कितना बोन मास है, मतलब बोन मिनरल डेंसिटी जो होती है उनको कंपेयर किया जाता है, उनके कंपेयर करके एब्जॉर्प्शन की पावर कितनी है कि बोन कितना एब्जॉर्ब कर रही है और अपनी फैट कितना एब्जॉर्ब कर रही है, इनकी रेट जो है एवरेज निकाली जाती है, और उसी से जेड स्कोर और टी स्कोर दिया जाता है। उसके बाद में जो है अपन डायग्नोस करते हैं कि पेशेंट को ऑस्टियोपोरोसिस है या पेशेंट नॉर्मल सिचुएशन में है। तो ये सारी चीज़ें जो होती है ये सब चीज़ देखने के लिए होती है, और आप अपना वीडियो देखते हैं और किस प्रकार से डेक्सा स्कैन करते हैं इसके बारे में समझते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या होता है, वाइड फ्रेंड बीम सिस्टम होता है, और यहाँ पर अपनी बोन अगर जितना एक्सरे सोर्स के पास होगी उस जो बोन है उसका मैग्नीफिकेशन अपन को उतना अच्छा मिलेगा। जैसे जैसे बोन इस सोर्स से दूर चली जाएगी अपना जो मैग्नीफिकेशन एरर या मैग्नीफिकेशन जो है वो थोड़ा सा कम होता चला जाएगा, और मैग्नीफिकेशन एरर यहाँ पर हो सकता है। तो स्टूडेंट्स, प्रकार से अपनी पेशेंट होती है और टेक्नोलॉजिस्ट होते हैं, और टेक्नोलॉजी और पेशेंट जो है इस टेक्नोलॉजी से पेशेंट को लाइन डाउन करा देती है अपनी जो भी डेक्सा स्कैन की टेबल होती है या काउच होती है उसके ऊपर, और इसके ऊपर लाइन डाउन कराने के बाद इसके ऊपर क्या होती है, एक सेंटर बीम लगाई जाती है। उसके बाद ये जो है अपनी डेक्सा स्कैन जो होती है, डेक्सा स्कैन की जो सोर्स होती है वो पूरे पेशेंट को जो है दो प्रकार की रेडिएशन इंटेंसिटी, दो प्रकार की रेडिएशन इंटेंसिटी के साथ में पूरी बॉडी को क्या करती है, एक्सपोज करती है, और ये एक्सपोज होने के बाद इस प्रकार से एक्सपोज हो रही होती है, पूरी बॉडी को स्कैन किया जाता है इस प्रकार से, आप लोग देख पा रहे होंगे मेरे पीछे स्क्रीन के ऊपर, और इस प्रकार से जो है इस पैनल में आप लोग देख पा रहे होंगे कि किस प्रकार से मशीन का जो लीनियर मूवमेंट है वो हो रहा है, और इस प्रकार से पूरी बॉडी को यहाँ से स्कैन किया जाता है। स्कैन करने के बाद ये सारे के सारे डाटा जो है एनालिसिस किए जाते हैं अपने कंप्यूटर के ऊपर, कंप्यूटर में या उस कंसोल में डाटा एनालिसिस करने के बाद इस प्रकार से वापस इसको बैकवर्ड और फॉरवर्ड किया जाता है, पूरी बोन और जो अपने
सॉफ्ट टिश्यू हैं वो सब कुछ इसको एक्सपोज कर लेते हैं, सब एब्जॉर्व कर लेते हैं, उसके बाद में इन दोनों का जो एवरेज होता है बोन मिनरल डेंसिटी का जो एवरेज होता है वो इसमें निकाला जाता है। अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि पेशेंट का स्कैन हो गया, इसके बाद पेशेंट को अपन जो है खड़ा कर देते हैं, बड़ा केयरफुली खड़ा करना होता है, ऐसे नहीं कि आपको ज़बरदस्ती करनी है पेशेंट के साथ, ऐसा नहीं होना चाहिए, आपके कम्युनिकेशन स्किल की बातें होती हैं। तो ये भी बड़ी केयरनेस की बात होती है, पेशेंट केयर की बुक चलती होगी आप लोगों को, तो उसमें बताया जाता है कि कैसे पेशेंट के साथ क्या बिहेवियर करना चाहिए, क्या कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए, कैसे पेशेंट को अपन टेबल पे लिटाते हैं और कैसे पेशेंट को वापस खड़ा करते हैं और किस प्रकार से बिहेव किस प्रकार से बातचीत करते हैं, ये सब चीज़ों का ध्यान आप लोगों को पता होना चाहिए। स्टूडेंट इस प्रकार से होती है बॉडी और इस प्रकार से ये डेक्सा की मशीन होती है। कोई आपको वीडियो दिखा के मैं आप लोगों को ये जो कॉन्सेप्ट है इसमें कोई डाउट रह गया हो तो उसको भी कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा। तो इस प्रकार से देखो ये स्कैन होती है और ये बॉडी होती है, बॉडी आप लोगों को थोड़ा 3D रूप में दिखाया गया है और इस बॉडी में एक्सरे जाती है, देखो आप लोग देख पा रहे हो किस प्रकार से एक्सरे जाती है। जो बोन्स होती है वो अलग तरीके से एक्सरे को एब्जॉर्व करती है और जो सॉफ्ट टिश्यू होते हैं वो कुछ अलग तरीके से एक्सरे को एब्जॉर्व करते हैं। तो आप लोग देख ही पा रहे होंगे यहाँ पर आपको बोन जो है किस प्रकार से एब्जॉर्व करने के बाद अपन को शो हो रही है। और देखो यहाँ पर अपनी स्पाइन आप लोगों को देख पा रहे होंगे, स्पाइन वहाँ पे दिख रही है आप लोगों को, स्पाइन ने यहाँ पे एक्सरे को एब्जॉर्व किया और स्पाइन और यहाँ के आसपास के जो सॉफ्ट टिश्यू हैं उनकी जो बोन मिलन डेंसिटी है उसको यहाँ पे चेक किया जाता है, देखा जाता है। ये आपको दिख रही होगी फीमर बोन जो है एसेट, अपनी फीमर बोन जो है ये बोन के साथ किस प्रकार से जुड़ी हुई है उसको भी यहाँ से एक्सपोज किया हुआ है। पूरा एक्सपोज करने के बाद अपन पूरी डिटेल यहाँ से लेते हैं और ये डिटेल आप लोगों को यहाँ पर अपने कंप्यूटर पे मिल जाती है पूरी की पूरी इमेज के साथ जेड स्कोर और टी स्कोर के रूप में, मैंने पहले बताया था आपको। ये अपना कंप्यूटर कंसोल मान लो या कंप्यूटर कंसोल होता है, यहाँ से जो है प्रिंटर होता है, इसी प्रिंटर से क्या निकलती है जो जेड स्कोर होता है और इमेजेस दोनों निकलती है और इसी आप पे अपन जो है प्रिंट करके देते हैं और पेशेंट जो होता है इसी से अपनी इमेज निकलती है और पेशेंट जो है इस इमेज को अपने जो भी पर्टिकुलर जो भी उसका फिजिशियन होता है डॉक्टर उनके पास जाते हैं और इस रिपोर्ट को दिखाते हैं और फिर जो ऑर्थोपेडिक डॉक्टर हैं वो इन पेशेंट का जो ऑस्टियोपोरोसिस हो रहा है उन पेशेंट का ट्रीटमेंट करते हैं। तो आप लोगों को उम्मीद करता हूँ ये वीडियो बेहतर तरीके से समझ में आया होगा और ये जो डेक्सा का जो कॉन्सेप्ट है वो आप लोगों के अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। आप लोगों से यही उम्मीद करूँगा, यही निवेदन करूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करके बताएं, अगर वीडियो में कोई कमी है तो भी आप कमेंट करके बताएं, इस कमी को हम दूर करेंगे। आप लोगों का हमेशा सादर आशीर्वाद हम लोगों पर बना रहे ऐसी उम्मीद करते हैं। धन्यवाद स्टूडेंट्स, इस प्रकार आप हमारे साथ जुड़े रहें।